हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कैसे सोल्व की जाती है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बिकॉज SINET में जितने क्वेश्चन दे रहा है वो ऐसे क्वेश्चन दे रहा है जो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सोल्व होते हैं। ओके, तो सम इम्पोर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन हम हमारे सेशन में लेक्चर में यूज करेंगे। सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को हम लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से तभी सोल्व करेंगे जब हमारे पास कर्नल डिफरेंस कर्नल की फॉर्म में दिया हुआ। यहाँ पे हमें कर्नल दिया हुआ है, ये मैं इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूँ, 0 to x फाई ऑफ एक्स इंटू के एक्स एक्साई डी एक्साई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो आ गई एक्स इंटू वन प्लस एक्स, ठीक है। और हमारे पास जो कर्नल की वैल्यू है, कर्नल की वैल्यू आ गई, वो आ गई एक्स माइनस एक्साई की पावर माइनस वन बाई थ्री, ठीक है। मैंने इसको क्या ले लिया, ऊपर लिख लिया। तो ये हमारे पास डिफरेंस की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये हमारे पास के ऑफ एक्स माइनस टी की फॉर्म में है। तो ये हमारे पास जो कर्नल दिया हुआ है, ये हमारे पास कौन सा है, डिफरेंस कर्नल, ठीक है, डिफरेंस कर्नल है। तो इसको हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, कन्वोल्यूशन की फॉर्म में लिखेंगे और फिर इसको लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, इक्वेशन जो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन वन मान लेता हूँ। इक्वेशन वन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 0 to x इंटू फाई ऑफ एक्साई इंटू एक्स माइनस एक्साई रेस टू पर माइनस वन बाई थ्री, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई ऑफ एक्स स्टार, ठीक है, स्टार मतलब कन्वोल्यूशन, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 1/3 माइनस 1/3, और ये राइट हैंड साइड एज इट इज एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नाउ टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, ठीक है। तो बोथ साइड लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाई ऑफ एक्स स्टार एक्स रेज टू पावर माइनस 1/3, ठीक है, बराबर है लैपलास ऑफ एक्स, ठीक है, लैपलास ऑफ एक्स प्लस लैपलास ऑफ एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, हम लैपलास की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो इस पे भी कन्वोल्यूशन थ्योरम से इसका लैपलास अलग हो जाएगा और इसका लैपलास अलग हो जाएगा। तो लैपलास ऑफ दिस इंप्लाइज दैट लैपलास ऑफ फाई ऑफ एक्स इंटू लैपलास ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसका लैपलास तो हमें पता है, इसका लैपलास क्या होगा हमारे पास, 1/s², ठीक है, प्लस इसका 2, तो हमारे पास हो जाएगा 2 factorial upon s की पावर 2 plus 1, तो हमारे पास टोटल कितनी हो जाएगी, पावर 3। अब देखो बच्चों, अब इसका लैपलास हमें फाइंड आउट करना है, मतलब ये हमारे पास अननोन फंक्शन है, और इसका लैपलास हमें क्या होगा, इसका लैपलास होगा हमारे पास इज इक्वल टू, इसका लैपलास गामा फंक्शन की फॉर्म में होगा, तो लैपलास ऑफ फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटू गामा ऑफ माइनस 1/3 plus 1, तो माइनस 1/3 plus 1 अपॉन एस रेज टू पावर ये एज इट इज माइनस 1/3 plus 1, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2/3, ठीक है, 2/3, और ये हमारे पास एज इट इज 1/s² प्लस 2 factorial कितना हो जाएगा, 2/s³। ये मैंने क्या कर दिया, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेंड कर दिया, माइनस 1/3 टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, गामा ऑफ 2/3। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो दिस इंप्लाइज दैट एल ऑफ फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास हो जाएगा एस रेज टू पावर 1/2 ऊपर, एस रेज टू पावर 2/3 ऊपर, और गामा ऑफ 2/3 नीचे, गामा ऑफ 2/3 इंटू 1/s² प्लस 2/s³। अब क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं। ओके, तो देखो बच्चों क्या होगा, ये होगा हमारे पास लैपलास ऑफ फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/γ ऑफ 2/3 एज इट इज,
इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो एस रेस टू बार 2/3 और ये नीचे जाके माइनस में, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 × 2 = 6 −2 = 4, तो हमारे पास हो जाएगा 1/s^4/3। सिमिलरली अगर यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 × 9 − 2, तो हमारे पास हो जाएगा s^7/3। ओके, अंदर हमने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो बच्चों, अब ये आ गया इसका लैपलास। अब हमें लैपलास इन्वर्स लगाना पड़ेगा दोनों तरफ ताकि हमारे पास फाई ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाए। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिया था, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लेंगे इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, तो अब आएगा हमारे पास टेकिंग इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, तो यहाँ पे करेंगे हम, तो इसका लैपलास इनवर्स उल्टा क्या आ जाएगा दोबारा, ये आ जाएगा हमारे पास फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये एज इट इज 1/γ(2/3). ये हमारे पास एक कॉन्स्टेंट है जिसको हम बाद में एडजस्ट करेंगे। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा लैपलास इनवर्स ऑफ, इसको मैं s^-4/3 लिख सकता हूँ, प्लस 2 बाहर आ जाएगा, और लैपलास इनवर्स ऑफ s^-7/3, ठीक है, इसको मैंने अलग लिख लिया। तो ये मैंने क्या कर दिया, लैपलास इनवर्स अप्लाई कर दिया। ओके, अब क्या करते हैं, इस पे लैपलास इनवर्स अप्लाई करेंगे, तो वो देखो बच्चों क्या आएगा। अब ये हमारे पास s की फॉर्म में है, तो आंसर हमारा लैपलास इनवर्स जो आएगा वो हमारा आएगा x की फॉर्म में, ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये देखो बच्चों, ये हमारे पास फाई ऑफ एक्स है, उसकी वैल्यू होगी 1/γ(2/3। अब क्या करना है हमें, उसका लैपलास, ओके, लैपलास इनवर्स, ओके, तो इसका लैपलास इनवर्स करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखो, इसका लैपलास इनवर्स करेंगे तो अपोन वाला ऊपर आएगा, यानी x^4/3 − 1 अपोन इसका गामा फंक्शन, γ(4/3), ओके, प्लस 2। सिमिलरली यहाँ पे x^7/3 − 1/γ(7/3), ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, लैपलास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास हो जाएगा फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/γ(2/3), ये हमारे पास हो जाएगा x^1/3, ओके, अपोन यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे होगा जैसे ये प्रॉपर्टी होती है गामा ऑफ, लास्ट में हमने गामा की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो गामा ऑफ p − 1 है, तो p गामा p था, तो अगर यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4/3 − 1, फिर गामा ऑफ ये एज इट इज, ठीक है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4 − 3 γ(1/3). सिमिलरली यहाँ पे 2 x^3 − 7 − 3 = 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा x^4/3 अपॉन, सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो 7/3 − 1, फिर इसमें से एक और सब्ट्रैक्ट करेंगे 7/3 − 1 − 1, तो −2 हो जाएगा इंटू, और यहाँ पे हो जाएगा γ(1/3), ठीक है, ये कितना बचेगा 1/3, 3 × 2 = 7 − 6/3, ओके, तो ये हो गया। अब देखो बच्चों, अब ये हमारे पास कितना होगा 1/3, ये भी कितना हो गया 1/3, ये कितना हो गया 4/3, इसकी वैल्यू 4/3, और ये भी कितना हो गया 1/3, तो ये आ गया इंटू 1/3 γ(1/3). अब देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से x^2/1/3 कॉमन आ रहा है, और यहाँ से 1/3 कॉमन आ रहा है, और γ(1/3) कॉमन आ रहा है, तो उसको हम कॉमन ले लेंगे, तो फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 कॉमन लेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से कॉमन लेंगे तो xy(1/3) कॉमन, यहाँ पे हो गया γ(1/3) कॉमन आ चुका है, तो γ(2/3) γ(1/3), और यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 कॉमन 3 ऊपर, तो 3/2 × x, ये यहाँ पे रह गया, इज दैट क्लियर। अब देखो बच्चों, अब हमारे पास प्रॉपर्टी थी गामा की, γ(n) × γ(1 − n), ये किसके बराबर था, π/sin(n π). अगर आप n को 1/3 लेते हो, यहाँ पे n को आपने 1/3 ले लिया, तो γ(1/3) × γ(1 − 1/3) क्या हो गया 2/3 इज इक्वल टू π/, ये हो गया sin n 1/3, तो sin π/3, तो π/sin π/3 √3/2, ठीक है, तो √3/2 ये आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका उल्टा होगा, यानी 1/ इसकी वैल्यू क्या होगी, 3√3/2π, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है, तो ये देखो बच्चों क्या होगा, और इसकी वैल्यू होगी
वन अपॉन समथिंग की वैल्यू होगी रूट थ्री बाई टू पाई। ओके, तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा थ्री इंटू एक्स रेज टू पावर वन बाई थ्री अपॉन, इसकी वैल्यू थी थ्री अपॉन रूट रूट थ्री अपॉन टू पाई। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा टू प्लस थ्री एक्स बाई टू, और इस टू को मल्टीप्लाई यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा फोर, और यहाँ पे क्या था हमारे पास फाइव ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई फाइव ऑफ एक्स की। इज दैट क्लियर? ये यहाँ पे हमारे पास गामा फंक्शन यूज हो रहा था इसलिए मैंने सबसे पहले क्वेश्चन यही लिया है। ओके, बेसिक क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, तो ये हमारे पास था फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई रिपीट, ये हमें क्वेश्चन दिया था तो सबसे पहले हमने देखा कि क्या डिफरेंस कर्नर बन रहा है, तो ये हमारे पास डिफरेंस कर्नर बन रहा था तो हमने इसको कन्वोल्यूशन की फॉर्म में लिखा, देन टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड वी गेट लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस। यहाँ पे फिर कन्वोल्यूशन से इसका लैपलास अलग हो गया, इसका लैपलास अलग हो गया, फिर इसका लैपलास सोल्व किया हमने ये वैल्यू आ गई, इसको इस तरफ लेके गए मैनिपुलेशन की ये हो गया। फिर हमने क्या किया, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन अगर इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ जाएगी फाइव एक्स की, तो हमने लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन किया बोथ साइड, तो इसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ये होगा, इसका इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ये होगा। फिर हमने यहाँ पे गामा फंक्शन की वैल्यू प्रॉपर्टी यूज की और उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की तो हमने हमें किसकी वैल्यू आ गई फाइव ऑफ एक्स की, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये हमारे पास क्या आ गया रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इज दैट क्लियर? अब हम सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को प्रॉब्लम में आती है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, वन मोर एग्जांपल, इसमें भी हमारे पास गामा फंक्शन बेसिकली यूज होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये देखते हैं क्या ये डिफरेंस कर्नल की फॉर्म में है या नहीं। तो ये हमारे पास है जीरो टू एक्स, ठीक है, जीरो टू एक्स, ओके, फाइ ऑफ एक्स, मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस एक्स आई रेज टू पावर माइनस वन बाई टू, ठीक है, इन टू डी एक्स आई इज इक्वल टू वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। इज दैट क्लियर? यहाँ से हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या आएगी वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, और के एक्स एक्स आई है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी एक्स माइनस एक्स आई रेज टू पावर माइनस वन बाई टू, ठीक है, x माइनस एक्स आई की फॉर्म में है तो ये हमारे पास इसको x माइनस, अब ये कर्नल है, ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंस कर्नल है, सो दिस इज अवर डिफरेंस कर्नल, डिफरेंस कर्नल, डिफरेंस कर्नल है तो ये हमारे पास लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो बच्चों अब इसको लिखेंगे हम कन्वोल्यूशन के फॉर्म में, तो ये हमारे पास हो जाएगा फाइ ऑफ एक्स कन्वोल्यूशन ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, तो ये हमारे पास क्या होगा लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइव एक्स कॉन्वोल्यूशन विद एक्स रेज टू पावर माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन प्लस लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स प्लस लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास कन्वोल्यूशन फॉर्म से इसका लैपलास अलग, इसका लैपलास अलग, तो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइव एक्स इंटू लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस वन बाई टू, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा वन का लैपलास क्या होगा वन अपॉन एस, ठीक है, प्लस यहाँ पे एक्स है तो इसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन होगा वन अपॉन एस स्क्वेयर, प्लस यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वेयर तो इसका लैपलास होगा हमारे पास टू फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर थ्री, ये लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। अब इसका भी कर लेते हैं तो इट इज लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइव ऑफ एक्स। अब देखो बच्चों, मैं एक टेक्निक और बताता हूँ इसमें आपको, इस क्वेश्चन में साथ के साथ, ये हमारे पास हो जाएगा गामा ऑफ माइनस वन बाई टू प्लस वन, ठीक है, ये हमारे पास होगा और एस की पावर एज इट इज, ये हमारे पास कितनी हो जाएगी वन बाई टू इज इक्वल टू वन अपॉन एस प्लस वन अपॉन एस स्क्वेयर प्लस टू फैक्टोरियल टू तो एस क्यूब। देखो बच्चों, इसको हम जनरली क्या माने हैं, एफ ओफ एस मान लेते हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइव ऑफ एक्स है, इसको हम एफ ओफ एस मान के भी कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा
एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास ये कितना होगा, गामा ऑफ 1 बाई टू हो गया, ठीक है, गामा ऑफ 1 बाई टू। तो ये हमारे पास हो जाएगा एस रेस टू पावर ऊपर एस रेस टू पावर 1 बाई टू अपॉन गामा ऑफ 1 बाई टू, ये हमारे पास एज इट इज 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 2 अपॉन एस क्यूब, ठीक है। अब गामा ऑफ 1 बाई टू की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई, तो उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो एस रेज टू पावर 1 बाई टू अपॉन इसकी वैल्यू रूट पाई, ओके। अब क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा एस रेज टू पावर 1 बाई टू और नीचे एस रेज टू एस है तो हमारे पास हो जाएगा एस रेज टू पावर 1 बाई टू प्लस यहाँ पे करेंगे तो एस रेज टू पावर 1 बाई टू नीचे आ जाएगा तो एस रेज टू पावर 2 माइनस 1 बाई टू तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 तो हमारे पास कितना हो जाएगा एस रेज टू पावर 2 माइनस 1 बाई टू, ठीक है, तो 2 इंटू 2 4 माइनस तो हमारे पास हो जाएगा 3 बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो 2 अपॉन 3 माइनस 1 बाई टू तो हमारे पास हो जाएगा 5 6 माइनस 1 5 बाई टू तो एस रेज टू पावर 5 बाई टू अंदर मल्टीप्लाई कर दी और ये हमारे पास क्या रहेगा 1 और ये हमारे पास एफ ऑफ एस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन हमने सोल्व कर दिया, अब यहाँ पे इसका लैपलास, अब देखो बच्चों अगर मैं दोनों तरफ लैपलास इन्वर्स करूँ तो फाई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो होगी लैपलास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग लैपलास इन्वर्स ऑन बोथ साइड तो ये हमारे पास हो जाएगा लैपलास इन्वर्स ऑफ एफ ओफ एस, लैपलास इनवर्स ऑफ एफ ओफ एस। कई बच्चे इस तरह भी करते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो हमारे पास हो जाएगा कॉन्स्टेंट 1 अपॉन रूट पाई तो कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 अपॉन एस रेस्ट पावर 1 बाई टू प्लस इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 रेस्ट एस रेस्ट टू पावर 3 बाई टू प्लस 2 बाहर और लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस रेस्ट टू पावर 5 बाई टू, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब ये देखो बच्चों ये हमारे पास ये किसकी वैल्यू हो गई, ये होगी फाई ऑफ एक्स की, तो फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट पाई और इसकी वैल्यू देखो बच्चों क्या होगी 1 अपॉन गामा ऑफ, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 बाई टू, गामा ऑफ 1 बाई टू इंटू गामा सॉरी इसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आंसर एक्स में आएगा तो एक्स रेज टू पावर 1 बाई 1 माइनस 1 बाई टू यही होता है इनवर्स में करते हैं तो प्लस इसका करेंगे तो 1 अपॉन गामा ऑफ 3 बाई टू, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 3 बाई टू प्लस सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो 1 अपॉन गामा ऑफ 5 बाई टू इंटू एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 5 बाई टू एंड अप टू सो, ओके। ये मैंने कर दिया इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन सोल्व, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं 1 अपॉन रूट पाई। ये देखो बच्चों ये हमारे पास क्या होगा एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 1 बाई टू है तो ये हमारे पास 1 बाई टू रह गई तो इसको मैं ऊपर ले जाके एक्स रेज टू पावर माइनस 1 बाई टू लिख सकता हूँ गामा 1 बाई टू एज इट इज प्लस यहाँ पे देखो एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 3 तो माइनस 1 बाई टू तो ऊपर जाके प्लस 1 बाई टू, ठीक है, और नीचे क्या रह गया गामा 3 बाई टू, इनको भी सोल्व करता हूँ मैं अभी और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 3 बाई टू तो एक्स रेज टू पावर 3 बाई टू ऊपर और नीचे गामा 5 बाई टू, इज दैट क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन की तरह जैसे हमने यहाँ पे यूज किया था तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, देखो 3 बाई टू है तो 3 बाई टू एज इट इज 3 बाई टू एज इट इज और गामा 1 बाई टू और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी 3 बाई टू इंटू 1 बाई टू और गामा 1 बाई टू, ठीक है, गामा 1 बाई टू गामा 1 बाई टू गामा 1 बाई टू इसकी वैल्यू क्या होती है रूट पाई तो रूट पाई एक्स रेज टू पर माइनस 1 बाई टू इसकी वैल्यू रूट पाई प्लस ये हमारे पास 2 बाई थ्री हो गया 2 बाई थ्री एक्स रेज टू पर 1 बाई थ्री रूट पाई प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 4 बाई थ्री 4 बाई थ्री एक्स रेज टू पर 3 बाई टू अपॉन रूट पाई रूट पाई कॉमन ले लेते हैं तो रूट पाई स्क्वेयर तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास पाई रूट पाई का स्क्वेयर तो पाई, ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई फाई ऑफ एक्स की, ये हमारे पास फाइनल वैल्यू है किसकी फाई ऑफ एक्स की, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये हमारे पास क्या आ गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, इज दैट क्लियर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन जिसमें भी हमारे पास क्या हो रहा था लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का
यूज हो रहा, सॉरी गामा फंक्शन का यूज हो रहा था। ओके सो ये थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन थे जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, जो बच्चों की मेन प्रॉब्लम होती है वो मैंने एग्जाम्पल्स में ही ले ली। तो इसका मतलब ये मत समझो कि सारे क्वेश्चन ही ऐसे आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसलिए मैंने ये डिस्कस किए हैं, ताकि बच्चों का प्रॉब्लम भी डिस्कस हो जाए और साथ के साथ आप ऐसे भी देख लो कि हम लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ओके अब थोड़े हम इजी टाइप के क्वेश्चन भी लेके चलेंगे, वो देखो। तो और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये इसमें टू था, ये टू साथ के साथ है टू, ठीक है टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर इंटू टू, ठीक है टू ऊपर भी है तो हमारे पास हो जाएगा एट। ओके तो अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेते हैं। ओके तो वो देखो इसको रब कर देता हूँ मैं। देखो बच्चों इन क्वेश्चन को और लेके चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सारे टाइप के मैं क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, ठीक है जितने टाइप के क्वेश्चन हो गए मैं सारे कवर कर रहा हूँ। नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ फर्स्ट, ठीक है फर्स्ट को हम सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स फाई ऑफ एक्साई फाई ऑफ एक्स माइनस एक्साई डी एक्साई इज इक्वल टू 16 साइन ऑफ 4x, ये हमें दिया हुआ है। तो देखो बच्चों साफ दिख रहा है ये हमारे पास डिफरेंस कर्नल के फॉर्म में है। तो हमारे पास ये मान लो जैसे हमारे पास था f ऑफ u g ऑफ x माइनस u, ठीक है तो ये कर्नल की डिफरेंस कर्नल के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ फाई ऑफ एक्स या फिर एक्साई लिख लो, आपको एक में लिखना है, ठीक है फाई ऑफ एक्स इंटू कन्वोल्यूशन विद फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16 साइन ऑफ 4x, ये मैंने लिख दिया कन्वोल्यूशन की फॉर्म में। ओके तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड तो देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पे, तो हमारे पास हो जाएगा लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 5x, ठीक है इनटू कन्वोल्यूशन 5x इज इक्वल टू लैपलास ऑफ 16 साइन ऑफ 4x, ये मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे, अब देखो ये अलग अलग हो जाएगा, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 5x अलग और इसका अलग, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 5x 16 बाहर तो ये हमारे पास बच गया लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 4x, ठीक है। अब देखो बच्चों अब मान लेते हैं लेट लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 5x है, उसको मैंने क्या मान लिया कैपिटल fs, तो ये हमारे पास क्या हो गया कैपिटल fs इंटू कैपिटल fs, तो इसका टोटल का क्या होगा ये स्क्वेयर, तो ये यहाँ से इज इक्वल टू 16 एज इट इज, और इसका करेंगे हम तो इसका हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है, तो इसका हो जाएगा हमारे पास लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे तो 4 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर, ठीक है तो ये हमारे पास हो जाएगा f ऑफ s होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 इंटू 4 64 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 16, ठीक है तो ये आ गया हमारे पास f ऑफ s होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 64 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 16। अब देखो बच्चों अब मैं क्या करूँगा दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, दोनों तरफ रूट लिया तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास f ऑफ s की वैल्यू आ गई प्लस माइनस, ठीक है यहाँ पे करेंगे 64 पल अपॉन एक्स का स्क्वेयर प्लस 16, ऊपर नीचे अलग करेंगे तो f ऑफ s इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस 8 अपॉन रूट ऑफ एस स्क्वेयर प्लस 16। अब क्या करेंगे टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, तो यहाँ पे लैपलास इनवर्स करूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फाई ऑफ एक्स, ठीक है तो टेकिंग लैपलास इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेंगे लैपलास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये हमारे पास लेंगे तो लैपलास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लैपलास ये तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा प्लस माइनस 8 बाहर और लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट एस स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर लिख सकते हैं इसको, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। ओके अब इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास ये फाई एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा फाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 और इसको नोटेशन की फॉर्म में ये लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन होता है जे नोड ऑफ 4x, ठीक है ये हमारे पास होता है, इज दैट क्लियर। ओके
इसकी नोटेशन है, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ये लिखते हैं, यानी इसका अगर मैं लैपलेस लूँ तो वो इसके बराबर आता है, ठीक है, रूट हो तो, बिकॉज हमारे पास साइन वाले जो साइन वाले फंक्शन होते थे उसमें हमारे पास रूट वगैरह नहीं आते थे, ओके। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन अपोन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, तो इसका लैपलेस होता था हमारे पास जे नोड ऑफ ए, ऐसे लिखते थे हम इसको, ठीक है। तो सिमिलरली ये प्रॉपर्टी यूज करके इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ये आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ओके। अब हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ओके। इसको मैं क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। तो अब देखो बच्चों, ये था हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल था जो आपको समझने की जरूरत थी। अब हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आप ऐसे मत समझो कि सारे ही क्वेश्चन ऐसे होंगे, इज दैट क्लियर। तो अब देखो ये क्वेश्चन लेके चलते हैं, तो इसमें हमें दिया हुआ है सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस, ठीक है, जीरो टू एक्स, एक्स माइनस एक्साई, फाई एक्साई डी एक्साई, इसमें जो कर्नल है के ऑफ एक्स एक्साई, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, एक्स माइनस एक्साई, विच इज ए डिफरेंस कर्नल, इसको मैं के ऑफ एक्स माइनस एक्साई की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, बाय कन्वोल्यूशन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स कन्वोल्यूशन फाई ऑफ एक्स, ठीक है, ये मैंने क्या लगा दी, कन्वोल्यूशन लगा दिया, ओके। अब देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन लेना दोनों तरफ, तो टेकिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेंगे, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमारे पास हो जाएगा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाई एक्स इज इक्वल टू लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन माइनस लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स विद फाई ऑफ एक्स, इज दैट क्लियर। अब क्या करेंगे, इसका इसको क्या मान लेंगे हम, लेट लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाई ऑफ एक्स, इसको मैंने क्या मान लिया, कैपिटल एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और यहाँ से इनवर्स लेंगे तो फाई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैपलेस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, ठीक है, ये हम हर क्वेश्चन में मान के चलते हैं। अब देखो अलग अलग कर दो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एस, ओके, माइनस वन का लैपलेस क्या होगा, वन अपोन एस इज इक्वल टू वन अपोन एस, माइनस इसका लैपलेस अलग, लैपलेस ऑफ एक्स इंटू लैपलेस ऑफ फाई ऑफ एक्स, जिसको हमने क्या मान रखा है, एफ ऑफ एस। अब एफ एक्स का लैपलेस क्या होगा, वन माइनस एस स्क्वेयर, तो इसका लैपलेस होगा वन अपॉन एस स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो जो हमें फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ एक्स वाली टर्म को एक तरफ लेके आना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एस प्लस, इसको लेके आएंगे तो प्लस वन अपॉन एस स्क्वेयर एफ ऑफ एस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रह जाएगा, वन अपॉन एस, ठीक है, ओके। एफ ऑफ एस कॉमन ले लो दोनों में से, एफ ऑफ एस अगर कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा यहाँ पे वन प्लस वन अपॉन एस स्क्वेयर इज इक्वल टू वन अपॉन एस, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो एफ ऑफ एस इंटू एस स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एस स्क्वेयर इज इक्वल टू वन अपॉन एस, अब इसको इस एक तरफ, बाकी टर्म को एक तरफ, तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एस स्क्वेयर अपॉन एस इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन, एक एस से एस कैंसिल, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, टेकिंग लैपलेस इनवर्स, ठीक है, बोथ साइड दोनों तरफ क्या लेंगे, लैपलेस इनवर्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा लैपलेस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लैपलेस इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर, लिख सकता हूँ मैं इसको। अब देखो बच्चों इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है फाई ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये किसका लैपलेस होता है, कोस ऑफ एक्स का, ठीक है, बाय फॉर्मूला से, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो ये हमारे पास थी कि इजी सी प्रॉब्लम जो मैंने साथ के साथ ली है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह हम जनरल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके। कुछ और क्वेश्चन लेके चलते हैं हम, तो वो देखो, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यहाँ तक हमारे पास सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, बाकी आप खुद कर सकते हो, मैं एज ए असाइनमेंट भी आपको दे दूंगा, ओके। तो अब देखो बच्चों,
क्या करेंगे? इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, phi of x इज इक्वल टू e रेस टू पर माइनस x, ठीक है, माइनस 2, ठीक है, कन्वोल्यूशन की फॉर्म में है, ये हमारे पास कर्नल दिया हुआ है, तो इसको मैं 2 इंटू कोस ऑफ x विद कन्वोल्यूशन phi of x, कन्वोल्यूशन की फॉर्म में मैंने लिख दिया ये, ठीक है, शॉर्टकट में मैं करवा रहा हूँ ये, ओके। अब क्या करेंगे, टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, तो लैपलास ऑफ phi of x इज इक्वल टू लैपलास ऑफ e रेज टू पावर माइनस एक्स, माइनस 2 बाहर और इसका लैपलास अलग अलग, लैपलास ऑफ cos x इंटू लैपलास ऑफ phi x, ठीक है। अब हम क्या मानते हैं, लेट लैपलास ऑफ phi x, उसको मैंने क्या मान लिया, f ऑफ s, और दोनों तरफ इन्वर्स करेंगे तो phi of x की वैल्यू क्या होगी, लैपलास इन्वर्स ऑफ f ऑफ s, जो हम बाद में यूज करते हैं। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ओके तो ये हमारे पास हो जाएगा f ऑफ s इज इक्वल टू, इसका हमारे पास क्या होगा, देखो e रेज टू पावर x का क्या होता है, 1 अपॉन s माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 ऑलरेडी है, तो इसका हमारे पास हो जाएगा s प्लस 1, ठीक है, माइनस 2, इसका हमारे पास क्या होता है, cos x का a अपॉन x s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन x s स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इनटू इसकी वैल्यू क्या है, ये हमने ले ली f of s, इज दैट क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को इस तरफ लेके आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा f of s, तो कॉमन आ गया दोनों में से, यहाँ पे क्या रह गया, 1, और यहाँ पे प्लस 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन सी टर्म रह गई, 1 अपॉन s प्लस 1। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो f of s ये हो जाएगा हमारे पास s स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एस स्क्वेयर प्लस 1, सॉरी यहाँ पे कोस है ना, तो यहाँ पे s आएगा, ठीक है, यहाँ पे s, सॉरी यहाँ पे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे s आएगा साथ में, तो 1 प्लस 2 s अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस 1, ये हमारे पास क्या हो गया, s प्लस 1 का होल स्क्वेयर, तो f ऑफ s इंटू s प्लस 1 होल स्क्वेयर अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 1। अब इस टर्म को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एस, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा एस प्लस 1, एस स्क्वेयर प्लस 1 ऊपर, एस स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1 की पावर, एक ऑलरेडी यहाँ पे है और 2 यहाँ से आ गई, तो कितनी पावर हो गई, टोटल 3 हो गई, ठीक है। अब हम इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन लेने से पहले हम इसमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन से फैक्टर में रिड्यूस करेंगे, तो कुछ बच्चों को पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं आते हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं हम, तो क्या करते हैं, यहाँ पे करके दिखाता हूँ, एस स्क्वेयर प्लस 1 है अपॉन एस प्लस 1 की पावर क्यूब है, तो इसकी पावर क्यूब हो तो इसको हम कैसे मानते हैं, ए अपॉन एस प्लस 1 प्लस बी अपॉन एस प्लस 1 होल स्क्वेयर प्लस सी अपॉन एस प्लस 1 की पावर क्यूब, ठीक है। अब जो नीचे वाला फैक्टर होता है उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एस स्क्वेयर प्लस 1, यहाँ पे ए इंटू एस प्लस 1 का होल स्क्वेयर बचेगा, तो उसको खोल लेंगे तो एस प्लस 1 प्लस 2s प्लस बी, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा बी इंटू एस प्लस 1, और बी की मल्टीप्लाई कर दी, और यहाँ पे करेंगे तो सी बच जाएगा, ठीक है, और ए की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ए एस स्क्वेयर प्लस ए इंटू टू ए एस, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं हम, एस स्क्वेयर वाली टर्म एक तरफ, बाकी दूसरी एस वाली टर्म एक तरफ और बाकी टर्म एक तरफ, तो ए इंटू एस स्क्वेयर प्लस ए प्लस सॉरी टू ए प्लस बी इंटू एस प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया, और यहाँ पे क्या है एस स्क्वेयर प्लस 1। अब क्या करते हैं, कोफिशियंट कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशियंट, ठीक है, तो ये हमारे पास जो a की वैल्यू है वो क्या होगी 1, बिकॉज यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, और 2a प्लस बी है उसकी वैल्यू क्या होगी 0, बिकॉज यहाँ हमारे पास s का कोफिशियंट अब्सेंट है, तो a प्लस बी प्लस सी है उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अब a की वैल्यू 1 है तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2, और b की और a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो इन दोनों तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 2, तो माइनस यहाँ पे 2, और c की वैल्यू कितनी है 2 है। अब ऐसे करते हैं फैक्टर पार्शियल फ्रैक्शन से, कुछ बच्चों को नहीं आते हैं करने, ओके।
अब क्या करते हैं, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू वन अपॉन एस प्लस वन माइनस टू अपॉन एस प्लस वन होल स्क्वायर और प्लस टू अपॉन एस प्लस वन की क्यूब। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, ये हमने जस्ट पार्शियल फ्रैक्शन के लिए यूज किए थे। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब क्या करते हैं, टेकिंग इनवर्स लैपलास ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, इनवर्स लैपलास लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा लैपलास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लैपलास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस प्लस वन माइनस टू बाहर लैपलास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस प्लस वन होल स्क्वायर और प्लस टू बाहर लैपलास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस प्लस वन की पावर थ्री। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एस प्लस वन एस प्लस वन एस प्लस वन है, तो यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वाला लैपलास यूज होगा। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है फाइव ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका लैपलास क्या होगा, ई रेस टू पावर माइनस एक्स, ऑफ कोर्स होगा, बिकॉज ई रेस टू पावर माइनस एक्स का लैपलास यही तो होता है माइनस टू एज इट इज, इसका लैपलास क्या होगा, इसका लैपलास होगा माइन ई रेस टू पावर माइनस एक्स इन टू एक्स। ठीक है, बिकॉज वन बाई एस एस का स्क्वेयर है, एस किससे रिप्लेस है, एस प्लस वन का होल स्क्वेयर से, तो एस माइनस ए से, यानी ए की वैल्यू माइनस वन, इज दैट क्लियर। और यहाँ पे प्लस टू, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, थ्री पावर है, तो थ्री पावर है तो थ्री का, थ्री पावर है तो एक कम, यानी टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल नीचे आएगा, टू फैक्टोरियल नीचे, और यहाँ पे हो जाएगा ई रेस टू पर माइनस एक्स इन टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये इसका लैपलास होगा, बिकॉज एस प्लस वन है तो ई रेस टू पर माइनस एक्स उसकी क्यूब है, तो यहाँ पे कितना होगा, स्क्वेयर होगा, टू फैक्टोरियल कितना होगा, टू होता है और टू से टू कैंसिल, तो फाइव एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास ई रेस टू पर माइनस एक्स माइनस टू ई रेस टू पर माइनस एक्स इन टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इन टू ई रेस टू पर माइनस एक्स, ई रेस टू पर माइनस एक्स कॉमन ले लो यहाँ से, तो फाइव ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी ई रेस टू पर माइनस एक्स इन टू वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, इज दैट क्लियर। तो ऐसे हम वोल्टेयर एंटीगल इक्वेशन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो मैंने जितने क्वेश्चन थे, जितने टाइप्स के क्वेश्चन थे, मैंने इस वीडियो में सारे डिस्कस किए हैं। ओके, इससे मिलते जुलते ही दूसरे क्वेश्चन हैं, आप वे सारे सोल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे सेपरेबल कर्नल की फॉर्म में किसी फेडोल इंटीग्रल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं वो देखेंगे। अभी तक हमने सोल्व किया वोल्टेयर इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, तो ये जो लास्ट का टॉपिक और ये टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज लास्ट ईयर के क्वेश्चन देख के, सीएसआईआर नेट के, हम ये देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन पूछता है वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन से सोल्व होते हों, और लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन से जितने क्वेश्चन सोल्व होते थे आज मैंने डिस्कस किए कि ऐसे सोल्व होते हैं। ओके, मोस्ट प्रोबेबली मैंने हार्ड प्रॉब्लम ही ली है, जो बच्चों को खासकर प्रॉब्लम फेस होती है जिन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम भी उनकी सोल्व हो गई, और जो बिगिनर बच्चा है उसने ये भी सीख लिया कि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन से वोल्टेयर इंटीग्रल इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम फेरडोल इंटीग्रल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? तो अगर किसी बच्चे को लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में किसी को प्रॉब्लम है, वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ओके, और इसी तरह सारे लेक्चर्स की वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।